बांका के एकमात्र सरकारी पीबीएस कॉलेज में बिहार सरकार द्वारा संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों को मिल रहा है प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र। जिले के कई पदाधिकारी छुट्टी के दिन में आकर छात्र छात्राओं को गुड बात सिखा रहे हैं। बांका के पीबीएस कॉलेज में बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इस प्राक परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान में निर्देशक प्रोफेसर सुरेश बिंद की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लेकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। इस संस्थान के निर्देशक डॉक्टर सुरेश बिंद ने बताया कि नवंबर से अप्रैल तक सत्र में SST 1, SST 2 के कक्षा का संचालन नियमित रूप से निःशुल्क किया जा रहा है, जहां की छुट्टी के दिन में जिला के कई पदाधिकारी पहुंचकर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में दक्ष होने के मूल मंत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बांका जिला वरीय कोषागार पदाधिकारी श्री अमरेश कुमार ने मोटिवेशनल क्लास लेते हुए छात्रों को बताया कि मोबाइल का सिर्फ पढ़ाई में इस्तेमाल करें और लगन से पढ़ाई कर अपने मंजिल को पाएं। अगर आप सब सिर्फ 2 वर्ष मोबाइल से दूर रहकर तैयारी करेंगे तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर सुरेश विंद ने आए हुए सभी बच्चों को नियमित रूप से क्लास करने को कहा और आए हुए सभी पदाधिकारियों से छुट्टी के दिन में क्लास लेने की आग्रह करते हुए खुशी खुशी विदा किया। प्रतिज्ञा, तो जो लोग नास्तिक हैं वो प्रतिज्ञान करते हैं, जो लोग वो है वो आस्था व्यक्त करते हैं, ईश्वर को साक्षी रखे करते हैं, वो शपथ लेते हैं। इस तरह से संविधान बना हुआ है। आप लोग फिर कीजिए। नाइस वॉक टू अस। युवा समाजसेवी नेता गुड्डू यादव ने किया जनसंपर्क अभियान तेज, मिल रहा है अपार जन समर्थन। बांका नगर परिषद चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है। अभी से ही सभी नगर सभापति उपसभापति पद के उम्मीदवारी के लिए सभी भावी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में युवा समाज सेवी गुड्डू यादव ने भी जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए नगर परिषद के 19 नंबर वार्ड अंतर्गत विदाई डी मुस्लिम टोला महादली टोला में जनसंपर्क अभियान किया, जहाँ मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए और जीतने के बाद समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। वही गुड्डू यादव ने कहा कि इस ननिहाल के आंखों से आंख मिलाकर कहता हूं कि जीतने के बाद सभी समस्याओं का हल करूंगा। आगे कहा, कोरोना काल में भी निजी कोष से जनहित का काम किया हूं, जैसे सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण कराया था और दुख की घड़ी में हमेशा साथ दूंगा। ये गरीबों का नेता युवा समाज से भी गुड्डू यादव का वादा है। मौके पर सैकड़ों वोटरों के साथ साथ युवा समाज से भी गुड्डू यादव के समर्थक विजय यादव, रोहित राज शर्मा, मोहम्मद बसीर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद गुलशन, भूदेव दास, बबलू दास, छब्बू दास, महेंद्र दास, धीरन दास, गौतम दास, संतोष दास एवं साथ में चल रहे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांका नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर के नगर पंचायत तक रहा और सबका चेयरमैन BDID ही दिया और आज तक ये सुविधाओं से महरूम है, तो अब इसको क्या चाहिए? इसके लिए कोई नहीं, जो भी व्यवस्था हुई यहाँ कम है, कुछ नहीं, ना के बराबर, ऊँट के मुंह में जीरा। क्या लग रहा है, अगर आप जीतेंगे तो पूरा कर पाएंगे? जब मैं जीतूंगा तो समय और व्यवस्था और समस्या, अगर दिशा और दशा बांका नगर परिषद का नहीं बदल सकें तो फिर समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और हम इस समाज को ठग नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ चेयरमैन के लिए यहाँ नहीं आता हूँ, इसके पहले भी मेरा संबंध था और आजीवन संबंध रहेगा। जब तक मेरा सांस चलेगा बांका लोकसभा, बांका विधानसभा और बांका नगर परिषद क्षेत्र के जनता से हम रूबरू होते रहते हैं। जीतने के बाद रवैया हो जाता है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? मैं जिस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, मेरे गुरुदेव जो कहते हैं वही करते हैं और मैं उसी का चेला हूँ। बांका लोकसभा में जब मेरा गुरुदेव जीत करके आया तो क्या क्या कारनामा किया आप लोग को पता होगा, मीडिया बंधु को, और उसी का चेला हम हैं। जब जीतेंगे तो बताएंगे क्या कर सकते हैं। अभी क्या बोलना, अपार प्रेम, जनता का समर्थन, अपार प्रेम मिल रहा है, मन गदगद है और मजबूती से चुनाव मैदान में है, कोई नहीं है किसी से हम लोग को कोई। आप 2600 वार्ड के वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बांका नगर परिषद के तमाम मतदाता मालिक से कहना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त गुड्डू यादव बांका नगर परिषद के चेयरमैन पद पर
उम्मीदवार के रूप में आ रहा है, आप उनको असीम प्यार और अपना मत रूपी आशीर्वाद दीजिए और हमको विजय बनाइए। और अगर आपके जो आपके अंदर की जो मनोभावना है उसके ऊपर अगर हम खरा नहीं उतर सकें तो ये आपका भाई, आपका दोस्त आपके बीच फिर कभी वोट मांगने नहीं आएगा। आपके बिराड़ी में क्या परेशानी है? हमारे बिराड़ी में बहुत परेशानी है। क्या क्या मुख्य क्या समस्या है? और पुल है, रोड है, बरसात में ना भादा में दिन में जो है कोई इस तरह का अगर डलावरी हो जाएगा या बीमार हो जाएगा उसको बहुत परेशानी है। मुख्य समस्या क्या है? पुल तो नहीं हो पाया अभी तक। उसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? और है अभी तक मतलब हम लोग नगर परिषद में रहते हुए न कोई टॉयलेट का यानी कि न कोई महिला का जाने का शौचालय वगैरह ये सब कोई सुविधा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बोला कि मैं शौचालय बनवा दूंगा, जल नल योजना दिला दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है अगर गुड्डू जी जीत जाएंगे तो पुल और नल जल योजना के साथ पानी और शौचालय सारा चीज़ हो जाएगा? हाँ, इन पे विश्वास है कि हो जाएगा। जो काम कि नहीं रह करके ये करा सकता है, जो रह जाएगा तो क्यों न कराएगा ये? अच्छा, बिना रहे हुए भी काम कराया? हाँ, कराया है। कब्रिस्तान गुडिया जी घिराया है हम लोग का, और जब संसद आया था यहाँ तो वो संसद से बोल करके लड़ करके बोला था कि ये पुल जो है सर आपकी बार बनना चाहिए। वो बोला कि 2019 में अगर हम आ गए तो पुल बनाएंगे। बिराड़ी अपने का आवास मिलो छे? नहीं कुछ ना, कभी ना। ये की सुविधा मिल रहा है अभी तक? कुछ है ना, कुछ ना। लाइट जले जे की घरों से लगा? और खाली है बिजली और कुछ ना। और रोड नाला पानी कुछ है नहीं, पानी पिए वास्ते ललाए छे। आखिर ऐसा कौन लोग है जो मेरा मत लेकर के हमको अपनी सुविधा से महरूम रखता है? हम नदी के उस पार जाते हैं, नगर की सुविधा है, हम इस पार आते हैं, उलझन व्यवस्था भी नहीं, हम अर्बन एरिया का टैक्स देते हैं। भारी मात्रा में शराब का वनस्टीकरण, समाहर्ता बांका के आदेश उपरांत पुलिस पक्ष के 82 कांडों में जब्त देशी शराब 1170.300 लीटर, विदेशी शराब 2843.630 लीटर, कुल 4013.930 लीटर का वनस्टीकरण आज उत्पाद कार्यालय बांका के समीप किया गया। उत्पाद पक्ष के 19 कांडों में जब्त देशी शराब 86.500 लीटर, विदेशी शराब 3.60 लीटर, कुल 89.560 लीटर का भी वनस्टीकरण किया गया। वनस्टीकरण के समय दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी बांका, अधीक्षक मनीषेद बांका, निरीक्षक उत्पाद बांका एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। शराब का वनस्टीकरण ड्रेन आउट विधि से किया गया। संपूर्ण वनस्टीकरण का वीडियोग्राफी भी की गई। उत्पाद विभाग बांका को मिली बड़ी सफलता। ड्रोन के साथ छापेमारी करते हुए उत्पाद की टीम ने बांका थाना अंतर्गत कैथा टिकर और डिग्री पहाड़ी में चल रहे अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया, जहां 1500 किलोग्राम जाबा महुआ को भी नष्ट किया गया। साथ ही दो लोगों को करीब 10 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार सुजीत कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय चंद्र माधव प्रसाद सिंह, ग्राम सवलपुर, थाना पंजवारा, उम्र 45 वर्ष, जो शराब सेवन के लिए कैथा टिकर गांव पहुंचे थे, को एक बोतल में करीब 1 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरा सोना मुनि मुर्मू, पति लखन सोरेन, ग्राम कैथा टिकर, थाना बौसी, जिला बांका को 8 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी का नेतृत्व सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार दास एवं विजय कुमार पंडित ने किया। हाँ, उठा दो। गेट ग्रिल बिल्डिंग दुकान में लगी भीषण आग, मशीनें जलकर हुई खाक। चंदन पंचायत के वार्ड नंबर 10 में गेट ग्रिल बिल्डिंग दुकान में अचानक आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में लगा मशीन, कंप्यूटर, कांटा, बेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, जनरेटर, लगभग 2 लाख का सामान जलकर बर्बाद हो जाने की बातें सामने आ रही है।
दुकान में रखा कोई भी सामान उपयोग के लायक नहीं बचा है। आग कैसे लगी या किसी को पता नहीं। कुछ आदमी का कहना है कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग सकता है क्योंकि दुकान में कोई काम नहीं हो रहा था। शुक्रवार का दिन था और गांव के सभी व्यक्ति जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे। दुकान में दो छोटे छोटे बच्चे खाट पर सोए हुए थे। जब आग लग गई तब तो बच्चे गाँव में जाकर चिल्लाने लगे। तब जाकर मस्जिद में किसी ने सूचना दी। मस्जिद के सभी लोग दौड़कर दुकान पहुंचे। तब तक दुकान का सभी सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। दुकानदार वशीम अंसारी पिता मुस्तफा अंसारी ने बताया कि यही दुकान से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे जो आज नहीं बचा। अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा इस बात को लेकर वसीम के सभी परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे चांदन मुखिया अनिल कुमार दुकानदार एवं उनके परिवार को भरोसा देते हुए सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिए। मुखिया ने फोन के माध्यम से अंचलाधिकारी को इस बात को लेकर जानकारी दी। अंचलाधिकारी प्रशांत सांडली ने कहा कि जली हुई दुकान की फोटो एवं आवेदन अंचल कार्यालय में जमा करने को कहा गया। जाँच के उपरांत दुकानदार को सरकारी लाभ देने की बात भी कही गयी है। आग जो यहाँ पर लग गया कैसे लगा? हम लोग पता नहीं, जुम्मा पढ़ने के लिए गए थे, बच्चा सब यहाँ पे था, उसी के बीच में आग लग गया। तो ये जो है आपका ये दुकान जो है ये कब से किए थे? दुकान मोटामोटी हो गया 6 महीने से ऊपर। इसमें कितना पूंजी होगा आपका? 1.5-2 लाख के लमसम। तो संपत्ति जो जल गया, मशीन वगैरह जो देख रहे हैं वो कितना मतलब का होगा? 1.5-2 लाख किसी 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास। तो आपको जानकारी नहीं था यहाँ जो आग लगा था? नहीं, मालूम नहीं था, अभी हमको पता चला था। आप लोग जुम्मा पढ़ने गए थे, क्या कहेंगे जो आग लगा है इसके बारे में? फोन से मालूम हुआ कि गोड़ा में वसीम का दुकान जल गया है। तो बोले जगह की जगह है, तो बोला कब्रिस्तान के बगल में। तो हम तुरंत घर से तुरंत आए, फिर यहाँ आके हम सीओ साहब को फोन लगाए। सीओ साहब बोले आप आवेदन दे दीजिए फोटो लगाकर, जहाँ तक होगा जितना भी मुआवजा जहाँ तक हम लोग दिलवा सकते हैं आपका काम करवा देंगे लाभुक का।